गुरु पूर्णिमा के अवसर पर व्यवस्थापक आशुतोष मिश्रा एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला के नेतृत्व में मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके संबंध में विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला ने बताया कि गुरु और वृक्ष दोनों जीवन और छाया देते हैं। गुरु वृक्ष के समान है, जिनसे निस्वार्थ भाव से हमारे समाज में शिक्षा का बीज बोकर समाज को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने बताया कि माँ के बाद जो दूसरा स्थान होता है वह गुरु का होता है। गुरु को ही ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। वहीं DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मधु सत्यदेव ने कहा कि हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि गुरु के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षों को उगाना चाहिए, क्योंकि साहित्य में लिखा हुआ है अगर आप एक वृक्ष काटेंगे तो उसकी जगह 10 वृक्ष लगाएंगे। यह गुरुओं का महत्वपूर्ण संदेश है। इस अवसर पर स्कूल ऑफ नर्सिंग गंगोत्री देवी की प्रधानाचार्य लोरेटा यकूब, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, आराधना यादव, नीतू यादव, रिया सावित्री, संगीता, अशोक सिंह, अर्जुन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गंगोत्री महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला एवं DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर मधु सत्यदेव ने कहा, सर इधर देखिए, इसको ठीक से दबा के पानी डाल दीजिए। हाँ। मैं डॉक्टर पूनम शुक्ला, प्राचार्य गंगोत्री देवी महिला PG कॉलेज। महाविद्यालय में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के सारे शिक्षक जो हैं उपस्थित हैं, साथ ही NCC के कैडेट भी हैं और पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं महाविद्यालय के जो व्यवस्थापक सर हैं श्री आशुतोष मिश्रा सर, वो भी उपस्थित हैं। और एक पौधा जो होता है कि वह सब पुत्र के समान होता है, इसलिए आम के वृक्ष का हम लोग आज वृक्षारोपण करके उसको पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। सर, जैसा माना जाता है कि गुरु का स्थान पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, माँ के बाद जो दूसरा गुरु होता है, जो दूसरा स्थान है वह गुरु का है। गुरु को ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। गुरु जो है पूरे समाज को शिक्षित करता है, इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु का स्थान जो है सबसे पहले का, इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद ये बताए। तो कहते हैं सबसे पहले प्रणाम गुरु को करो, फिर भगवान को प्रणाम करो। डॉक्टर मधु सत्यदेव, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। यहाँ हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण है स्थान है, क्योंकि गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सारे जो तथ्य हैं जो हमारे वेद पुराण उपनिषद इत्यादि में दर्शाए गए हैं, विशेष रूप से तैतृय उपनिषद में, तो हमें उनकी तरह आचरण करना चाहिए और हमें हमारे अंदर ऐसे संस्कार डालने चाहिए इन बच्चों, हमारे द्वारा बच्चों के अंदर, कि ये फलीभूत हों, आगे जाकर के पुष्पित पल्लवित हों। जैसे ये बच्चे हमारे जीवन का प्राण हैं, ये आगे जाकर के देश के भविष्य कहलाएंगे, कर्णधार कहलाएंगे, वैसे ही ये हमारे जो फल हैं, ये हरित क्रांति अगर हम इनको देंगे, इनको हम पुष्पित करेंगे, सिंचित करेंगे, जो बीज है उसको तभी वो पल्लवित होगा। तो वही हमारे जीवन की सार्थकता है और हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्षों को उगाना चाहिए, क्योंकि हमारे साहित्य में उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अगर आप एक वृक्ष काटेंगे तो आप उसकी जगह 10 वृक्ष लगाएंगे। ये हमारे गुरुओं का ये महत्वपूर्ण संदेश है।